क्या आप रोजाना होने वाले अपने जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और ये दर्द अब इतना बढ़ गया है कि सीढ़ियां चढ़ना उतरना या सामान्य तौर पर कुर्सी पर बैठना या उठना भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है? तब आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि यूं तो बहुत साल पुराना है लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की कसौटी पर अब उसको पूरी तरह से परखा जा चुका है। इसके साथ में मैं आपको होम्योपैथिक दवाओं के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपके दर्द को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोस्तों, दर्द आमतौर पर किसी भी जॉइंट में हो, इनमें होने वाले जो कारण होते हैं वो आमतौर पर सिमिलर ही होते हैं। इनके जो कॉजेज होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला आता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जोड़ों की हड्डियों में घिसाव होने लगता है और इसे एज रिलेटेड वियर एंड टियर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो ये है कि जोड़ों में किसी भी बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है, जिसे कि सामान्य भाषा में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्थराइटिस कहा जाता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, तब उस कंडीशन के कारण भी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब इसमें एक और समस्या शामिल हो जाती है, जब ये दर्द यूरिक एसिड के कारण होने लगता है तब उसे गाउट कहा जाता है। तो ये जो तीनों ही इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, इन तीनों के कारण हमारे या हमारे परिवार के सदस्यों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ होती है। अब इस दर्द और तकलीफ के अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जब उम्र बढ़ती जाती है तो जॉइंट्स में उपस्थित साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि आम भाषा में जिसे ग्रीस कहा जाता है, वो कम होने लगता है और जब ग्रीस कम होता है तब उस कंडीशन में हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, यानी कि घर्षण होने लगता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारी दो हड्डियां हैं और जब ये काम कर रही हैं तो फ्लूइड ना होने के कारण यहाँ पे घर्षण होने लगा, तब उस कंडीशन में भी जोड़ों में सूजन आती है और दर्द होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार चोट लग जाने के कारण या फिर भारी वजन उठा लेने के कारण भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। और इसके अलावा टोटल इनएक्टिविटी ऑफ जॉइंट, यानी कि बिल्कुल भी चलना फिरना ना होना, ये भी जॉइंट में यानी कि जोड़ों में दर्द का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो जब हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में एक आम धारणा होती है कि ये जो दवाएं होती हैं ये बहुत स्लो काम करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे नहीं हैं जिनका उपयोग करके हम दर्द को तुरंत कम नहीं कर सकते। इसके सबसे पहले नुस्खे के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक गर्म पैन में, एक कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है और उसमें 2 से 3 कली लहसुन की छोटी छोटी बारीक काटकर उसमें डाल लेना है। अब इस तेल को आपको 5 से 7 मिनट तक गर्म करना है, उबालना है, और जब ये तेल उबल जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, लहसुन उसका सिक जाए, तब आपको इसे गैस से उतार लेना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब आपको इससे अपने जोड़ पे मालिश करनी है, उस स्थान पर जहां आपको दर्द हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट में ही उस तेल के प्रभाव से आपका जो दर्द है वो कम होने लगता है। तो इस तरह से हम इस घरेलू नुस्खे का उपयोग करके अपने जोड़ों के दर्द को तुरंत खत्म कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं होती हैं जो अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर काम में आती हैं, जिनमें 2 दवाएं बड़ी मुख्य होती हैं। पहली होती है गाउलथेरिया का मदर टिंचर। गाउलथेरिया एक वनस्पति है, एक प्लांट है, एक पौधा है। इस पौधे के मदर टिंचर का उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप या 1 कप गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से आपको कुछ ही दिनों में अपने जोड़ों के दर्द में राहत महसूस होने लगती है। इसके अलावा 2 और दवाएं होती हैं दोस्तों, जिनकी मॉडेलिटी के आधार पर उनका उपयोग किया जाता है। पहली होती है ब्रायोनिया और दूसरी होती है रस्टॉक्स। ब्रायोनिया का मुख्य सिम्टम यह है कि जैसे ही पेशेंट चलना फिरना या मूव करना शुरू करता है उसे दर्द होने लगता है। वो जब तक बैठा रहेगा उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, तब उस कंडीशन में हमें ब्रायोनिया की 200 पोटेंसी का उपयोग करना है और 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पीना है। इसके साथ में रस्टॉक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी उतनी ही अच्छी दवा है जितनी अच्छी ब्रायोनिया, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है उसे चलने फिरने से आराम मिलता है, तब उस कंडीशन में हमें रस्टॉक्स का उपयोग करना है और रस्टॉक्स की 200 पोटेंसी की 4 बूंद को हफ्ते में 1 बार पीना है। अब हम बात करते हैं उस घरेलू नुस्खे की जिसके कारण आपका ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
इस नुस्खे में आपको कुछ चीज़ें लेके आना है जो कि आपके घर पे आसानी से उपलब्ध रहती हैं। इसमें सबसे पहले है हल्दी, फिर लहसुन, फिर अदरक, फिर दालचीनी, फिर अश्वगंधा, काली मिर्च और छोटी इलायची। ये सात चीज़ों के साथ आपको एक गिलास दूध भी लेना होगा। अब यदि हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हल्दी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए सबसे अच्छी चीज़ हल्दी मानी जाती है, जिस पे कि विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला जो कर्क्यूमिन होता है वो पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में सक्षम होता है। इसके अलावा लहसुन और अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले दो सब्सटेंस होते हैं, जिनका उपयोग भी हम दर्द और सूजन को ख़त्म करने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ अश्वगंधा हमारे अंदर जाकर कोशिकाओं में एक पुनर्जीवन उत्पन्न करता है, यानी कि रेजुविनेशन करता है, और उसके कारण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। अब जब हम बात करते हैं कि काली मिर्च और छोटी इलायची की, तब काली मिर्च और छोटी इलायची कर्क्यूमिन की एक्टिविटी की एफिशिएंसी को, यानी कि हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन पाया जाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण को बढ़ाने का काम करते हैं, तब उस कंडीशन में हमें इन दोनों चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए। और लहसुन अपने आप में एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ पदार्थ है, जैसा कि हम तेल में उपयोग करते हैं, इसीलिए उसको गर्म करके हमें इस नुस्खे में भी उपयोग करना है। इस नुस्खे में आपको एक गिलास दूध भी लेना है। उस एक गिलास दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी डालना है, उसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का किसकर उसमें डाल लेना है कद्दूकस किया हुआ, उसके बाद उसमें दो से तीन कली बारीक कटे हुए लहसुन की डालना है, और उसके साथ में अश्वगंधा आधा चम्मच हमें लेना है, इसके साथ में एक आधा टुकड़ा हमें दालचीनी का लेना है, और दो चुटकी काली मिर्च और छोटी इलायची का पाउडर, दोनों ही दो दो चुटकी लेके हमें उसमें दूध में डाल देना है। इन सभी चीज़ों को जब हम दूध में मिला लेंगे, तब हमें दूध को गैस पे गर्म होने के लिए रख देना है और 5 से 7 मिनट तक उसे फुल आँच पे उबालना है। जब 5 से 7 मिनट तक ये उबलने लगेगा तो उसके बाद हमें गैस को थोड़ा स्लो कर देना है और 2 से 3 मिनट तक फिर इसे उबलने के लिए रख देना है। अब थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इस दूध को आपको रात में सोते समय पी लेना है। इस दूध का लगातार 21 दिन उपयोग करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जोड़ों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो आज से ही आप इस नुस्खे का उपयोग करना शुरू कर दीजिए और मेरी बताई हुई होम्योपैथिक दवाओं का सेवन भी करना शुरू कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि यदि आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है, यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, हार्ट से रिलेटेड अन्य कोई शिकायत है, तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए, उसके बाद आप इनका उपयोग करना शुरू करें, तो आपको एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई होम्योपैथिक दवाओं और घरेलू नुस्खों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।